बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, सुनाएं क्या हाल है आप हज़रात का। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आप हज़रात के लिए एक नुस्खा लाया हूँ, इंतहाई बेज़र्र और इंतहाई मुफीद, बेहतरीन नुस्खा है वज़न में कमी के लिए, मोटापे के लिए। तो ये नुस्खा आप हज़रात की खिदमत में पेश है। मैं ज़्यादा जो है तफसील में नहीं जाऊँगा, मुख्तसर आप हज़रात के सामने नुस्खा पेश करूँगा और इजाज़त हासिल करूँगा आप हज़रात से। तो मुख्तसर ये है कि आप जितने वज़न जिनका ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, मोटापा है, उनके लिए अर्ज़ ये है कि आलू, गोभी, चावल ये छोड़ दें, दूध ज़्यादा ना पिएं, मीठा ज़्यादा ना खाएं, ये जो हैं बोतलें, ये पेप्सी ये छोड़ें, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें और साथ ये दवाई इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। ये इंतहाई बेज़र्र सा नुस्खा है, घरेलू चीज़ें हैं, आप बनाएं, ख़ुद बनाएं और खाएं इसको। सस्ता भी है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, मगर ये है कि कुछ टाइम लगेगा। आप देखें ना, अब मोटा होने में आप सालों साल लगा देते हैं, हाँ जी, जिसम बढ़ाने में खा के सालों साल खाते रहते हैं, फिर मोटा हो जाता है बंदा। तो फिर उसको कम करने में भी कुछ टाइम तो लगेगा ना। ऐसे मशीन तो है कोई ना लगी हुई कि वो बस उतार के चर्बी गोश्त उतार के साइड पे रख दे, चलो जी बरीक हो गया बंदा, ऐसे नहीं होता भाई। ये दवाई भी वो देनी होती है जो जिसम बर्दाश्त करे, कोई तकलीफ़ भी ना हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो, किसी किस्म का केमिकल ना हो। दवाई भी खाएं और नुकसान भी ना हो, सिर्फ फ़ायदा हो। तो ऐसा ही नुस्खा मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूं। इस नुस्खे को आप औरतें मर्द सब खा सकते हैं और इंशाल्लाह महीना दो महीने में आप खातर खा जो है वज़न में जो है कमी देखेंगे, आपका जिस्म सेहतमंद होगा, आपका जिस्म जो है चाको चौबंद होगा, आपका जिस्म एक्टिव होगा, आपका दिल करेगा भागने दौड़ने पे, काम करने पे, ये सुस्ती दूर होगी। ज़ाहिर है जब वज़न में कमी होगी आपके तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरीन निज़ाम होगा। तो अब ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, मुख्तसर मैंने अर्ज़ कर दिया है, कुछ थोड़ी परहेज़ करें। एक तो खाना खा के फौरन ना सो जाया करें, एक दूसरा जो है कोई थोड़ा बहुत चला फिरा करें, चाहे घर में वज़न में कमी के लिए आप वॉक ज़रूर कीजिए। खाना खा के कुछ चहलकदमी करें जितनी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो ये बड़ा एक बड़ी वजह है कि खाना खा के फौरी जो है सो जाना, ये बड़ी वजह है मोटापे का सबब है। तो मोटापे के आप जानते हैं कि मोटापा बजाते ख़ुद जो है बहुत सारी बीमारियों की अम्मा है, आई समझ, और तो और दिल के अमराज तक ये ले जाता है, दिल के वाल बंद हो जाते हैं, हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, बहुत सारे अमराज हैं इसके। तो ये मोटों को पता है, जो जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनको पता है, चलना फिरना दो बार हो जाता है। तो अल्लाह पाक करम फरमाए, ये आसान सा नुस्खा आप हज़रात की खिदमत में पेश है, ये बनाएं और खाएं और सेहतमंद हो जाएं। जी जनाब, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं, कलवंजी, अजवैन, मेथरे, एक मेथी दाना होता है, एक मेथरे होते हैं मोटे वाले, कलवंजी दाना बरी, इसमें इस नुस्खे में मेथरे हैं, छिलका इसबगोल है और सब्ज़ पत्ती है, चाय की जो पत्ती होती है ना सब्ज़ वाली, एक काली पत्ती नहीं दूसरी सब्ज़ चाय, ये आपने इस्तेमाल करनी है। कलवंजी, अजवैन, मेथरे, छिलका इसबगोल और सब्ज़ चाय, ये सारी आपने हम वज़न लेनी है। मैं अपने नुस्खों में बताता हूँ कि बराबर वज़न ले लें, फिर फ़ोन करके व्हाट्सएप पे, ईमो पे पूछते हैं जी इसका वज़न क्या करना है।
हम वज़न का मतलब यही होता है कि ये बराबर वज़न में ले लें, जितनी जितनी आपने दवाई बनानी है। अब मैं अर्ज़ कर देता हूँ, चले आप 50-50 ग्राम सारी चीज़ें ले लें, ठीक है, सारी चीज़ें 50-50 ग्राम ले के इनको बारीक कर लेना है, सिवाय छिलका इसबगोल को, बाकी चीज़ों को आप बारीक कर लें, ग्राइंड कर लें, छिलका इसबगोल इसमें साबत ही मिला लें। अच्छा, दवाई तैयार है जी। ये आपने ऐसा करना है कि छोटा चम्मच जो होता है चाय वाला चम्मच, आप तकरीबन पौना चम्मच, अगर जिस्म ज़्यादा हो बड़ा हो तो पूरा चम्मच भी ले सकते हैं, बहरहाल पौना से पूरा चम्मच जो है तीन टाइम आपने लेना है, सुबह दोपहर शाम, ये ले लें। और चौरके के साथ चार अरक होते हैं, मिक्स भी निकाला होता है और करके भी देते हैं, चार अरक, चार अरक भी कहते हैं, चौरका भी कहते हैं, वो ले आए, आधा कप जो है चौरका लें, उसके साथ ये दवाई मुंह में डाली, ऊपर से वो अरक पी लें। तो ये नुस्खा है आप हजरात का और ये इसका तरीका है, आप हजरात को पेश कर दिया है, इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, 1.5-2 महीनों में आप वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे, और खाते रहें, 3-4 महीने भी खा लें, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म का, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, मोटापा इंशाल्लाह दूर होगा, कम होगा, अल्लाह पाक करम फरमाए। तो अब आखिर में जो है वही अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक भी किया करें। तो अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।